Welcome back to my channel Forensic Forum. Our topic is OPM in forensic. OPM, also called puppeteers, Lacryma papaveris. अफीम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम इसका बोटेनिकल नेम है. इससे जो मिलने वाला लेटेक्स है उसका ड्राइड फॉर्म जो है वो अफीम कहलाता है. मेकोनियम वर्ड का मतलब है ओपियम लाइक. और अफीम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें नार्कोटिक और एनाल्जेसिक लाइक प्रॉपर्टी पाई जाती है. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर एंड सीडेटिव लाइक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसका यूज बहुत सारे मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल या इलीगल ट्रेड में यूज होता है. इसलिए इस प्लांट की इम्पोर्टेंस है. इट कंटेन अ नंबर ऑफ एल्कलॉइड. जो इसके इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं वो क्या है? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, थिबेन. थिबेन जो है एक स्मॉल अमाउंट में पाए जाने वाला एल्कलॉइड है. नेचुरल एल्कलॉइड इसके क्या है? मॉर्फिन एंड कोडीन. ये इसके नेचुरल एल्कलॉइड हैं. इन एल्कलॉइड का यूज करके सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो मेनली प्रोड्यूस की जाती हैं, उनमें से है हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, हीरोइन और डाई एसिटाइल मॉर्फिन. जो सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं उनमें क्या आता है? मेथाडोन, पेथिडीन, मेप्रिडीन, प्रोपोक्सीफीन, पेंटाजोसीन एटसेट्रा. ओपियम के जो एल्कलॉइड्स हैं इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ग्रुप है फिनेंथ्रीन ग्रुप एंड बेंजो आइसोक्विनोलीन ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप फिनेंथ्रीन ग्रुप जो है, इसके जो एल्कलॉइड हैं उनकी प्रॉपर्टी नार्कोटिक टाइप है. मींस सेडेटिव्स की तरह जो है वो एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन. जो सेकेंड ग्रुप है बेंजो आइसोक्विनोलीन ग्रुप, ये माइल्ड एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल पेपेवरिन एंड नोस्कैपीन. अप्रोक्सीमेटली 12% ओपियम जो है एनाल्जेसिक एल्कलॉइड मॉर्फिन से बना होता है, जिसको केमिकली प्रोसेस करके हेरोइन को प्रोड्यूस किया जाता है और अदर सिंथेटिक ओपियोइड्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका यूज मेडिसिनल और इलीगल ट्रेड में यूज होता है. फ्रेश क्रूड फॉर्म जो ओपीएम की है वो डार्क ब्राउन या चॉकलेट कलर की कुछ दिखती है. इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ ओपीएम प्लांट. इसको नार्कोटिक पॉइजन के अंडर में रखा गया है क्योंकि ये पेन को कम करता है और स्लीप को इंड्यूस करता है. प्लांट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. जो प्लांट है हमारा ओपियम का वो मेनली हर्ब है और लगभग इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की है. इसके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूइश कलर में हो सकते हैं, ब्लूइश वाइट, पर्पल कलर और वाइट कलर में हो सकते हैं. हर एक प्लांट में लगभग 5 से 10 कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. जो प्लांट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, मीन्स जो ओपीएम के प्लांट है वो इंडिया में हमें यूपी में देखने को मिल जाते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड एमपी, मध्य प्रदेश. ये तीन जो स्टेट है इनमें हमें मेनली ओपीएम का कल्टीवेशन देखने को मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट क्या है इनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है इसके कल्टीवेशन के लिए. अफगानिस्तान इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओपीएम इन द गोल्डन क्रिसेंट. अफगानिस्तान इनमें जो है एक मेन प्रोड्यूसर है ओपीएम का. एग्रीकल्चर पर्पजेस से जो लाइसेंस इशू होता है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स CBN के थ्रू इशू होता है. फर्स्ट इमेज में हम क्रॉप को देख सकते हैं, ओपियम क्रॉप और मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट. यहाँ पे दिस इज द ओपियम फ्लावर, अनराइप फ्रूट और कैप्सूल ऑफ द ओपियम एक्सुडिंग लेटेक्स. कलेक्शन ऑफ द ओपियम. जो इसका कैप्सूल है इसके पेरिफेरी में कट मार्क्स को लगाते हैं. इसका लेटेक्स जो है वो निकलता है, इसके बाद में ड्राइड होकर के ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि ब्लेड से या नाइफ से जो है स्क्रैप कर लिया जाता है, जो एक हार्ड मास इस तरह में कन्वर्ट हो जाता है या इस कलेक्शन के बाद कुछ इस तरह का दिखता है. और इसके बाद में इसको और ज्यादा रिफाइन करके इससे मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन हमें मिलते हैं. ये एक इमेज है जिसमें कि अफगान सिक्योरिटी फोर्स का जो एक पर्सन है
वो पॉपी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं होती है तो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या इलीगल माना जाता है। इस इमेज में जो ब्लैक सीड है, ब्लैक ब्राउन सीड्स, ये खसखस कहलाते हैं, ये ओपियम के सीड्स हैं। जब इसका कैप्सूल राइप हो जाता है पकने के बाद कंप्लीटली, अगर जब भी वो ब्रेक होता है तो इस तरह के सीड्स निकलते हैं। इन सीड्स का यूज स्पाइसेस के तौर पे किया जाता है, जिसको खसखस बोलते हैं, और इसमें कोई ऐसे एल्कलॉइड्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये नॉर्मल है यूज में। ओपिएट्स एंड ओपियोइड्स। ओपिएट्स क्या है? क्लास ऑफ नारकोटिक्स जो कि नेचुरल कंपोनेंट है ओपियम के, इनको ओपिएट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, कोडीन एंड थिबेन। ओपियोइड्स क्या है? ओपियोइड्स जो है सिंथेटिक कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड हैं जो कि ओपिएट की तरह काम करते हैं बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल हीरोइन एंड मेथाडोन। नारकोटिक्स क्या है? स्लीप इंड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये थिबेन का केमिकल स्ट्रक्चर है, कोडीन एंड हीरोइन। साइन एंड सिम्टम ऑफ ओपियम। फर्स्ट बॉडी एक्साइटमेंट की तरफ शिफ्ट होती है, देन फेंट लाइक कंडीशन एंड स्लीप लाइक कंडीशन क्रिएट होती है। इंजेक्शन के बाद हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद जो है 3 to 5 मिनट में इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं। एंड फर्स्ट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, देन डिप्रेस करता है। इसकी फैटल डोज जो है 2 ग्राम ओपियम की है, एंड 200 मिलीग्राम फॉर मॉर्फिन इज फैटल। फैटल पीरियड 9 to 12 आवर्स। मॉर्फिया और मॉर्फिन। वाइट क्रिस्टलिन पेस्ट, इसका बिटर होता है। प्रिंसिपल एल्कलॉइड ऑफ ओपियम। केमिकल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, दैट इज C17H19O3N। जो ग्रीक गॉड मॉर्फियस है उनको जो है गॉड ऑफ द ड्रीम्स कहा जाता है, उनके नाम पे जो है मॉर्फिन के नाम को यूज किया गया है। मॉर्फिन प्रिंसिपल मेन एल्कलॉइड है अफीम का। ये जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, जो एल्कलॉइड है मेनली एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लिनिकल मेडिसिन में जो है मॉर्फिन को गोल्ड स्टैंडर्ड या बेंचमार्क माना जाता है इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के लिए, जो कि रिलीफ करता है इंटेंस पेन एंड सफरिंग से। मॉर्फिन जो है डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और पेन को रिलीव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉर्फिन जो है फर्स्ट ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट या कंपाउंड है जो कि प्लांट से प्योरीफाइड किया गया हो। हीरोइन आल्सो कॉल्ड ब्राउन सुगर, स्मैक, जंक एंड डोप, ये सारे इसके अदर नेम्स हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हीरोइन। हीरोइन क्या है? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ओपियम का, जो कि व्हाइट या ब्राउन पाउडर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। केमिकली जो हीरोइन है वो क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द हीरोइन आर मोस्ट एडिक्टिव एल्कलॉइड ऑन द अर्थ एंड यूथ यूजुअली गेट्स एडिक्टेड ऑफ द हीरोइन। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, फॉर्म्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द मॉर्फिन। कलरलेस क्रिस्टलिन होता है जो कि हाईली सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड वाटर। क्रिस्टल्स जो है हाईली सोल्यूबल होते हैं एल्कोहल एंड वाटर में। जो इसकी एनाल्जेसिक एंड यूफोरियोजेनिक प्लेजर देने की जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्फिन की कंपेरिजन में ज्यादा है। कैन बी स्मोक्ड, स्मोक किया जा सकता है या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जा सकता है या स्नफ किया जा सकता है। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में इसका जो है इसको इंटेक किया जा सकता है। इट इज और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है, 30 to 60 मिनट्स के ड्यूरेशन में ये पूरी तरह से मेटाबोलाइज हो जाता है और इसके कोई भी ट्रेसेस बॉडी में नहीं होते हैं। ओपियम या इसके एल्कलॉइड्स की ओवरडोज होने पे जो बॉडी है कोमा या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम ड्यूरेशन में सैंपल का कलेक्शन जो है हमें ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए, यूरिन, बाइल, लीवर, लंग्स एंड ब्रेन।
ये सारे जो पार्ट्स हैं या फिर टिश्यूज हैं इनको अलग अलग कंटेनर्स में प्रिजर्व करना चाहिए। कोडीन, कोडीन वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। बिटर टेस्ट गॉट फ्रॉम द ओपियम, ओपियम का जो एल्कलॉइड है कोडीन, केमिकल फॉर्मूला है इसका। ये यूज होता है सेडेटिव के फॉर्म में, हिप्नोटिक पर्पजेस से, एनाल्जेसिक पेन किलर के तौर पे एंड कफ डिप्रेसेंट में, ले सिरप्स में यूज होता है कोडीन। नेक्स्ट है पेथिडीन, आल्सो कॉल्ड मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक पर्पस से यूज होता है, सेडेशन एंड यूफोरिया को कॉज करता है। पेथिडीन का यूज पेन को कम करने में एंड डिफरेंट सर्जरीज या सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरेशन में होता है। मेथाडोन ये सिंथेटिक ओपियोइड्स है, इसका यूज जो है क्रोनिक पेन से रिलीफ के लिए होता है। ऑफनली जो है इसका यूज डी एडिक्शन ऑफ द मॉर्फिन एंड हेरोइन के लिए होता है, इन दोनों के एडिक्शन को कम करने के लिए मेथाडोन का यूज होता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, द सिम्टम्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, वन इज द एक्सटर्नल फाइंडिंग्स एंड इंटरनल फाइंडिंग्स। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स आर स्मेल ऑफ ओपियम इज प्रेजेंट, फेस जो है डीपली साइनोस्ड हमें देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट ब्लैक या ब्लूइश। फिंगर जो नेल्स हैं वो ब्लू कलर में देखने को मिलेंगे। नेक की जो वेन्स हैं वो इंगॉर्ज्ड ब्लड फिल्ड देखने को मिलेंगे। लिविडिटी जो बॉडी पे होगी वो ब्लैक कलर में होगी। फ्रोथ हमें नोज एंड माउथ से देखने को मिलेगा। इंटरनल फाइंडिंग्स में स्टमक में पीसेस जो इसके ट्रेसेस हमें मिल सकते हैं ओपियम के, ट्रैकिया ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रेन, इन सब में जो है वेनस कंजेशन देखने को मिलता है। सैंपल कलेक्शन, विसरा, ब्लड, बाइल, ब्रेन शुड बी कलेक्टेड। डिटेक्शन जो टेस्ट है इसके लिए स्पॉट टेस्ट है या इसको प्रिजम्पटिव टेस्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट है मार्कुइस टेस्ट। इसके लिए हम 1 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं एंड 1 ड्रॉप ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड पोर्सिलिन डिश में लेते हैं और सस्पेक्टेड मटेरियल को जो है एक साइड से पोर्सिलिन डिश की ऐड करते हैं जो कि पर्पल वायलेट कलर देता है, तो इसे मार्कुइस जो है पॉजिटिव टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा TLC में जो इसके अलग अलग एल्कलॉइड्स हैं वो अलग अलग रिटेंशन फैक्टर या अलग अलग RF देते हैं, तो कंपैरिजन करके कंट्रोल एंड टेस्ट सैंपल से TLC के थ्रू जो है इसका कंफर्मेशन किया जा सकता है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ ओपियम एंड इट्स एल्कोलाइड, ड्रग अब्यूज इंडिया में इसके ज्यादा है तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है मेडिको लीगली। एक्सीडेंटल डेथ, किसी भी ड्रग या इसके एल्कोलाइड की ओवरडोज हो जाने पे जो एक्सीडेंटल डेथ है उनमें इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है डिटेक्शन के लिए। सुसाइड अटेम्प्ट में पेनलेस डेथ को जो है अचीव करने के लिए इसका यूज होता है। कैटल पॉइजनिंग में, डोपिंग फॉर हॉर्स रेस, होमिसाइडल के लिए इसका बिटर टेस्ट है तो रेयरली यूज हो सकता है। इन्फेंटिसाइड बच्चों को शांत कराने के लिए या फिर उनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए उनको भी एक माइल्ड डोज एक कम फॉर्म में दिया जाता है, तो उसमें अगर ओवरडोज हो जाए तो इन्फेंटिसाइड या फिर जो है जानबूझ के किसी बच्चे को दिया जाए तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। यूज्ड इन यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग में भी इसका यूज होता है ओपियम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।